वन विभाग ने किसानों की खड़ी फसल जेसीबी मशीन चलाकर नष्ट कर दी। वन विभाग ने जमीन पर अतिक्रमण बताया। किसानों ने कहा कि भूमि उनके स्वामित्व की है। दतिया जिले के इंदरगढ़ तहसील क्षेत्र के ग्राम अंडोरा एवं बिलासपुर के किसानों सरसों की खड़ी फसल वन विभाग के अधिकारियों ने वन भूमि पर अतिक्रमण बताकर जेसीबी मशीन चलाकर तहस नहस कर दी। किसानों ने बताया कि जिस भूमि को वन विभाग के अधिकारी रेंज की भूमि बता रहे हैं, असल में वह भूमि किसानों के स्वामित्व की भूमि है। पीड़ित किसानों ने कहा कि ये सब रेत माफियाओं के इशारे पर हुआ है। किसानों ने रेत माफियाओं को संरक्षण देने का आरोप वन विभाग के अधिकारियों पर लगाया है। रेंज इलाके से अवैध रेत उत्खनन की शिकायत वरिष्ठ अधिकारियों से की है। इसी शिकायत से नाराज होकर रेंजर ने दो दर्जन किसानों की खड़ी सरसों की फसल को अतिक्रमण के नाम पर बुलडोजर चलाकर नष्ट कर दिया। किसानों का कहना है कि मध्य प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने गुंडे अपराधियों के घरों पर बुलडोजर चलाने के निर्देश दिए हैं, लेकिन वन विभाग के अधिकारी किसानों की हरी भरी फसल पर जेसीबी चला रहे हैं। वन रेंज के सिंध नदी से अवैध रेत का उत्खनन लगातार किया जा रहा है। किसान अवैध रेत खनन रोकना चाहते थे, जबकि वन विभाग के अधिकारी रेंज क्षेत्र से रेत खनन करना चाहते थे। इस बात को लेकर ग्राम अंडोरा एवं बिलासपुर के ग्रामीण किसानों द्वारा शिकायत कर दी गई है। शिकायत से रेंजर शैलेंद्र गुर्जर एवं डिप्टी रेंजर धर्मवीर अहिरवार नाराज हो गए और वन क्षेत्र की भूमि बताकर किसानों की खड़ी सरसों की फसल पर बुलडोजर चलाकर नष्ट कर दिया। नायब तहसीलदार मनोज दिवाकर ने सीमांकन होने तक वन विभाग को कार्यवाही रोकने को कहा था, लेकिन वन विभाग के अधिकारियों ने तहसीलदार को मानने से इनकार कर दिया। कृषि भूमि किसानों के स्वामित्व की है या वन भूमि है या राजस्व विभाग की जमीन है, ये तो सीमांकन होने पर ही पता चलता है। किसान भूमि को अपनी बातें बता रहे हैं और वर्षों से खेती कर रहे हैं। सुरेंद्र सिंह जाट जी, भूमि अभी खड़ी है, ये क्या है, किसने इसको बखरा है? ये जो है वन विभाग धर्मवीर डिप्टी रंजन ने नष्ट किया है और बगैर नोटिस के करा है। तो हम जो दौड़ के तहसीलदार के पास पहुंचे तो उन्होंने तत्काल जो है हमको मशीनें बंद करने का आदेश दिया, लेकिन उसने आदेश लेने के बाद भी बंद नहीं की और नष्ट की। क्या नंबर है इसका सर्वे क्रमांक? सर्वे क्रमांक है 52। क्यों टूटी है, इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि मुझे पैसा मांग रहा था, जबकि इसका वर्तमान में सीमांकन हो चुका था 29/9/2021 में। जगदीश सिंह कुशवाहा डिप्टी रेंजर और सुनील वनारक्षक बसेड़िया जहाँ मौके पे आए थे और सर्वे हुआ था। पूरे कागज हैं अपने पास, नकल है, नोटिस है, सारी चीज़ें हैं वन विभाग की, इसके बाद नष्ट की। अगर जो हमारी नहीं निकले तो हम 2,00,000 रुपये जुर्माना देंगे और सरकार को जीवन भर के लिए अपना वो करेंगे। क्या अब क्या कार्रवाई चाहते हैं? हम कार्रवाई चाहते हैं कि हमारी ज़मीन का मुआवजा मिलना चाहिए। हमारी ज़मीन नष्ट हुई, हमारी फसल नष्ट हुई, वो आप लोगों से निवेदन है कि हमारा मुआवजा दिलवाएं। बताएं। मेरा नाम राहुल जाटव है, ग्राम अंडोरा। अच्छा, क्या समस्या हुई यहाँ पे? इसमें समस्या हुई है सर कि यहाँ पे जेसीबी जो फॉरेस्ट विभाग की आई रेंज पूरा मतलब इस फसल को नष्ट कर गया। जो मेरी ईंटें थी इनको तोड़ गए और पहले पैसा वैसा लेते थे, धर्मवीर गार्ड आता था पैसा ले जाता था। अभी बार पैसे की डिमांड करी तो पैसा नहीं हो पाया तो ये फसल नष्ट कर गए और ये गुम्मा फोड़ गए। कितने पैसे जाते थे? पहले 5,000 ले जाता था, कभी 10,000 ले जाता था, जितने बनते थे उतने दे देते थे। अच्छा, इस बार कितने मांगे थे? इस बार 10,000 मांग रहा था। आपके अलावा इसके अलावा और जमीन है? यही जमीन है, हम जैसे पेट पालते ही अपना गुम्मा उम्मा बना लेते हैं, जैसे में फसल वसल हो जाती थोड़ी बहुत तो जैसे गुजारा चलता। अच्छा, का नाम है, इन्होंने तो फसल खड़ी थी, काय की फसल खड़ी थी? सरसों की फसल थी, इसमें कोई पहले नोटिस नहीं आया, नोटिस मोटिस कुछ नहीं आया, ना कोई जानकारी दी गई, डायरेक्ट आए और 4-5 जेसीबी लेके चलवा। इससे पहले भी कोई नोटिस नहीं दिया? नहीं, इससे पहले कोई नोटिस नहीं आया, केवल आगे और फसल बर्बाद कर दी। नहीं, पैसे नहीं दिए तो फसल बर्बाद, नोटिस कोई नोटिस नहीं आया। अच्छा, ये भूमि मतलब क्या वन विभाग की है? नहीं नहीं, ये 50 साल से जोत रहे हैं, लगभग 50 साल से ना कोई नोटिस आया ना कोई रोक टोक हुई। कोई गार्ड वाट आता था, गुम्मा उम्मा बनाते थे तो रुपया ले जाते थे, 5-10 हज़ार रुपये जब कभी, और चलता रहता था। अभी बार धमकी दे के गया था कि यार नहीं, अगर अभी बार पैसा नहीं दोगे तो मैं इसमें जेसीबी चलवा दूंगा, और वही हुआ। ठीक है, खेल हमारा चुनाया गरीब आदमी, खेती नहीं जमीन मजबूरी कर रहे, पानी डाले
जड़ से जड़ कार चौथ हैं वो भूर फाँत है सब दिन करे करा मान श्याम लगा दो समय गुम फोड़ा रे मशीन से चलो सिम समय कई माना है जो का सत गरी से नहीं बोल पाओ हम तो काले काय से फोड़े गुम्मा मशीन से ऐसे तुमने सियान कर दई सुबह चलो वहाँ मशीन बाहरो सुबह ने सूप लगाओ से बात सुबह फोड़ा रो दो जने ना बैठे चार बार बैठे वो बैठो खाना एक गाठ है और एक ब्राह्मण तो अच्छा जी फरवाई कौन ने वो एक ब्राह्मण बैठो तो यहाँ दो जने कहाँ को है वो धर्मवीर गाठ भाई मैंने ये मेरे पास शिकायत करने के किसान आए थे कि मेरी यह ज़मीन फसल नष्ट कर रहा है और मेरी ज़मीन में से जो है जेसीबी चला के सीमा कायम कर रहा है, लेकिन मैंने आदेश किया था कि यह राजस्व विभाग और वन विभाग की संयुक्त टीम द्वारा ये सीमांकन करके उसके बाद ही यह सीमा कायम वन विभाग सीमा कायम करे, और उसके बाद भी अगर नहीं मानते तो फिर मैं मौके पर दिखवाऊंगा उसको सीमांकन करवाऊंगा। नहीं, किसानों की फसल नष्ट कर दी गई है ऐसा किसानों ने भी बताया हुआ आपको, और अब आप क्या करेंगे? अगर किसानों की फसल नष्ट हुई है तो कार्रवाई करेंगे, जो नियमानुसार कार्रवाई होगी वो कार्रवाई होगी।